क्या देख रहे हो? बेशर्म कहीं के, तुम्हारे घर में माँ बहने नहीं है? तुम मुझसे इतना डर क्यों रही वाली जी? देखने में तो काफी समझदार मालूम होती है। अगर तुम चाहो ना तो ये घर तुम्हारे नाम हो सकता है। मेरी मोहब्बत एक जाल है, जितना फड़फड़ाओगी उसमें इतना फंसी जाओगी। मेरी आदत बना लो क्योंकि मैं आता जाता रहूंगा। सरे बाजार लाके ये आपी नेहा कितनी प्यारी लग रही है ना। अल्लाह आपको किसी की नजर ना लगाए। आप ही आप अपने आप को मिरर में देखें तो कितनी प्यारी लग रही हैं आप। क्या हो रहा है बाबा? क्या हुआ? क्या हो रहा है बाबा? बाबा बाबा इधर देखे मेरी तरफ, कुछ बोले ना, कुछ बात करे मुझसे। आप भी हम कैसे रहेंगे बाबा के बगैर? मेरी जान जिस घर में बारात आने थे यहाँ तो कयामत आ गई। या अल्लाह ये क्या हो गया? हाय मेरी बच्ची तो लुट गई। मैं तो इस काबिल भी नहीं रहा कि अपने दोस्त की खबर पर जाकर फातिहा पढ़ सकूं। मेरे बेटे ने, मेरी अपनी औलाद ने मुझे किसी को मुंह दिखाने का काबिल नहीं छोड़ा। आपकी अपनी दुकान है, जितना मर्जी सोना ले ले। क्या है जब शीन साहब मेरे पास ही आके लेते थे। पैसे बताओ कितने हुए? मैंने कहा ना आपकी अपनी दुकान है, घर आकर साफ किताब कर लूंगा। नहीं चाहिए तुम्हारी सब्जी, रखो अपने पास। ओहो लोगों को क्यों सुना दियो? शर्म करो कुछ, तुम्हारी बेटी की तरह हूं। बेटी तो नहीं हो ना। ओ, नया रिश्ता जोड़ने में कौन सा फर्क पड़ता है? बाप तो घर में है नहीं। तुम्हारी उम्र का लिहाज कर रही मेरे बाप की जगह हो, वरना तुम्हें ऐसा बताती ना कि अपनी टांगों पे चलकर घर नहीं जा पाते इस ठेले के साथ। जाहिल नेकी का तो जमाना ही नहीं रहा। मैंने सोचा बाप सर पे नहीं है, थोड़ी मदद कर दूंगा। जी आपको क्या चाहिए? देख रहे हो? बेशर्म कहीं के, तुम्हारे घर में माँ बहने नहीं है? हद होती है बेशर्मी की भी, टांगे तोड़ दूंगी अगर आप कोई नजर आया तो। बदतमीज जाहिल लोग। सर झुका दिया अपने बाप का, किसी के सामने सर उठाने के काबिल नहीं छोड़ा तुमने। अब क्यों फोन किया यहाँ? अम्मी मैं बरदार जो आगे एक लफ्ज भी कहा। घर छोड़ने से पहले एक लम्हे के लिए भी ये नहीं सोचा कि तुम्हारे बाप पे क्या गुजरेगी? थोड़ा सा भी ख्याल नहीं आया तुम्हें? अच्छा तो आप लोग ने कौन सा मेरा ख्याल कर लिया? मैंने भी तो आप लोगों से कितना कुछ कहा था। बस कर दे अलमीर, इतना भी नीचे ना गिर कि मुझे अपनी तरबियत पर अफसोस होने लगे। तुझे पता भी है? तेरे इस तरह अचानक चले जाने से क्या हुआ है घर में? मी, सच बताओ ना, तो मैं जानना भी नहीं चाहता। रशीद भाई दुनिया से चले गए, इंतकाल हो गया उनका। तूने जान ले ली रशीद भाई की, लेकिन तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
हम भी इस दुनिया में नहीं रहेंगे, तुझे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तेरे लिए तेरा कैरियर, तेरी पढ़ाई, तेरा मुस्तकबिल सबसे अहम है। हम कुछ भी नहीं है तेरे लिए। मेरी बात सारी जिंदगी तुम्हें कभी कभी कोई खुशी नहीं मिली, मुझसे बात कर, तेरे जाने के बाद तुम्हें संभाल लूंगा। बेटा, मरने वालों के साथ मरा थोड़ी जाता, जिंदगी तो चलती रहती है, कभी नहीं रुकती। बिना ये देखे कि पीछे कौन तन्हा रह गया। पापा हमें यूं छोड़कर चले जाएंगे, सोचा ही नहीं था क्या करेंगे उनके बगैर, कैसे रह सकेंगे उनके बगैर। हौसला रखो अलीजे, जब तुम हौसला हार जाओगी तो इन बहनों का ख्याल कौन रखेगा। अब तो तुम्हें इन्हें माँ और बाप दोनों बनकर पालना होगा, इनका ख्याल रखना होगा। वक्त का पहिया कभी भी नहीं रुकता, देखो कैसे वक्त गुजर गया। बस मेरे भाई को अल्लाह पाक करवट करवट जन्नत नसीब करे। वो आप कुछ दिन और रुक जाए प्लीज। बेटा मैं रुक जाती, तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं, उनका मेरे अलावा कोई ख्याल नहीं है रखने वाला। अब फिर मैं आती जाती रहूंगी ना, हैदराबाद कौन सा दूर है, और फोन पे अपनी खैरियत देती रहना मुझे। हिम्मत से काम लो मेरी बच्ची, अल्लाह बहुत बड़ा रहमान है, जी में करीम है, उस पे भरोसा रखो, सब कुछ हो जाएगा, कुछ ठीक हो जाएगा। चाओ बेटा, मेरा सामान ले आओ अंदर से। ख्याल रखना अपना भी और बहनों का भी, मेरी प्यारी बच्ची, परेशान मत होना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी फूफो, मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा है। अल्लाह तुम्हारा यकीन और भरोसा सलामत रखे, आमीन।
ठीक है बेटा, हम भी चलती हैं। बहन का ख्याल रखना। क्या सोच रही हैं अली से आप भी? कुछ नहीं, पापा के जाने के बाद घर कितना सूना हो गया है ना, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। वो भी चली गई, कोई बोलने वाला तो था, खाना खाने का भी दिल नहीं कर रहा। लेकिन खाना तो खाना पड़ेगा ना। भूखे तो नहीं रह सकते। बिल्कुल भी नहीं। मैं हूं ना तुम लोगों के साथ। मुझ पर यकीन है? हाँ, आप तो सबसे ज्यादा यकीन है अली से आप ही। चलो फिर खाना खाते। नेहा कहाँ है? नेहा यही पर ही होगी, मैं देखती हूँ उससे। क्या कर रही हूं? पूरे घर में तुम्हें ढूंढ लिया। चलो चलकर खाना खाते हैं। आप ही बाबा हमें यूं छोड़ के क्यों चले गए? हम उनके बगैर कैसे रहेंगे? आप ही मुझे बाबा की बहुत याद आ रही है। सबको आ रही है बाबा की, मगर क्या करें, बाबा के बगैर जीना तो पड़ेगा ना। चलो चलकर खाना खाते हैं। वो अपनी मर्जी से तो नहीं गए ना, कब जाना चाहते थे? मगर हमें बाबा के बगैर रहना होगा ना। जिंदा रहने के लिए खाना तो खाना पड़ेगा। तो चलो चलो खाना खाते हैं। आ जाओ मेरी बहन।
ये सब अल्लाह के काम है अलीजे बेटी, इंसान के अख्तियार में कुछ भी नहीं। ठीक है रब, अल्लाह के हर काम में मसलहत होती है। रशीद भाई जितनी काट गए अच्छी गुजार गए, बस अब जितना हो सके उनके लिए पढ़ाई करो। आप बिल्कुल ठीक कह रही। अलीजे आप ही एक मिनट बात सुनिए। खाला मैं अभी आती हूँ। अच्छा बेटी। क्या हुआ आया? चाय नहीं लाई? चीनी पत्ती खत्म हो गई है तो बिल्लू से कह के मंगवा लो ना दुकान से। इतने दिनों से बहुत मुश्किल से मैनेज कर रही थी। सारा सामान अब्बा की दुकान से आ रहा था, एक महीने से ज्यादा हो गया। अच्छा ठीक है, तुम जाओ मैं कुछ करती हूँ। जाओ। क्या हुआ लीदा बेटी, कोई परेशानी है क्या? नहीं खाला सब ठीक है। लगता है चाय में टाइम लगेगा। ठीक है लीजे बेटा, हम फिर आ जाएंगे। हाँ हाँ, मोहल्लेदारों का यही तो फायदा होता है, दुख सुख में सबसे पहले आते हैं, अपने तो बाद में पहुँचते हैं। अब इनकी पुप्पो को ही देख लो कैसे भाग गई। खाला पुप्पा की तबीयत ठीक नहीं रहती। अरे सब बहाने हैं, ऐसे ही तो पता चलता है कौन अपना है कौन गैर। खाला क्या आप लोग वाकई हमारे अपने? क्या मतलब? मतलब ये कि जरूरी नहीं ना सिर्फ रिश्तेदार ही अपने होते हो, बल्कि अपने तो वो होते हैं जो लोग एहसास करते हैं दूसरों का, ना कि उनको परेशान करते हैं। आप लोगों का तो जब दिल चाहता है मुंह उठाकर आ जाते हैं दूसरों को परेशान करने। तौबा है, कितनी जबान है इस लड़की की। हम तो तुम बहनों की दिलजोई करने के लिए आ जाते हैं, हमें क्या पता। चलो रशीदा, हमें अपनी और बेइज्जती नहीं करवानी। खाला खाला मेरी बात सुने। खाला मत रोके, जाने दें उन्हें अलीजे आप ही। हया क्या हो जाता है तुम्हें, बड़ों से ऐसे बात करते हैं, वो क्या सोचेंगे कि अब्बा के जाने के बाद। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, अब्बा के जाने के बाद मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये सब हमारा मजाक उड़ाते हैं, तंज करते हैं हम पर। अब सर पर पड़ी है तो काटना तो पड़ेगी ना, ये जालिम समाज है, हमें सब कुछ सहना होगा। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। अब पता चला कि बाबा घर को कैसे मैनेज करते थे, हम सबको पढ़ाया भी, लेकिन कभी अपनी परेशानी जाहिर नहीं होने दी। अब मुझे ही कुछ करना होगा। बिल आ गया है और 5,000 रुपए। 5,000 तो बहुत ज्यादा है। हाँ लेकिन कल लास्ट डेट है, बिल भरना भी तो है ना। आप मुझे पैसे दे दे, मैं जाके भरवा देती हूँ। पैसे नहीं है मेरे पास आया। पैसे नहीं है? आप ही ऐसे तो बिजली कट जाएगी और फिर मकान मालिक भी बोलेगा, बिल तो भरना ही है ना। हाँ लेकिन पैसे नहीं है तो कहाँ से जमा करवाएंगे बिल। रुको मैं देखती हूँ, शायद मेरे पास कुछ पैसे रखे हों।
अभी ये तो बहुत कम है। और कितना सब्र करूं, मेरा तो सब्र ही खत्म हो चुका है। आज मुझे हर सूरत में रेंट चाहिए एलिज़े। बस थोड़ा सा टाइम और दे दें, मैं रेंट दे दूंगी, बस कुछ ही दिन और। 40 दिन तो वैसे ही गुजर चुके हैं, अब इंतज़ार नहीं होता, बस आज ही मकान खाली कर दीजिए। क्या? नहीं नहीं, आप बस मुझे थोड़े से दिन और दे दें, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगी। तुम कुछ नहीं कर सकती एलिज़े, तुमसे कुछ नहीं होगा, बस आज मकान खाली कर दो, मुझसे इंतज़ार नहीं होता, वरना तुम्हारा सारा सामान उठा के बाहर फेंकवा दूंगा। मैं अपनी बहनों को लेकर कहाँ जाऊंगी? आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपका हम पर बहुत एहसान होगा, बस मुझे एक हफ्ता और दे दे। तुम मुझसे इतना डर क्यों रही वाली जी? देखने में तो काफी समझदार मालूम होती है। अगर तुम चाहो ना तो ये घर तुम्हारे नाम हो सकता है। क्या मतलब? दुनिया में हर बात का कोई ना कोई मतलब होता है, और एक औरत ही होती है जो मर्द की मतलब और बेमतलब बात को फौरन समझ जाती है। आपको रेंट मिल जाएगा, आप जाइए यहाँ से। अरे ऐसे कैसे? खाली हाथ? जब प्यासा कुएं के पास आ ही गया है तो थोड़ा सैराब तो होने दो। मैंने कहा ना आपको रेंट मिल जाएगा, आप जाएं यहाँ से। रशीद साहब के बाद तुम पर बहुत जिम्मेदारियाँ आन पड़ी हैं, और ये जिंदगी इतनी आसान नहीं चीज दिखाई देती है। तुम अकेली क्या क्या करोगी? एक और एक 11 होते हैं, आप सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल दो। आप बात समझ रहे हैं ना? अंकल जी बिल्कुल सच कहा आपने, एक औरत ही होती है जो हर मर्द का बिना किसी मशीन के एक्सरा कर लेती है कि उसकी नीयत कैसी है। और अलीज़े आप ही बिल्कुल भी अकेली नहीं, एक और एक 11 जरूर होते हैं, लेकिन 3 और 3 33 होते हैं। आपको अंदाजा तो हो गया होगा, वरना मैं समझाऊं आपको आपकी ही जुबान में। और रही बात घर खाली करने की, तो शायद 1 महीने पहले नोटिस दिया जाता है, नोटिस कहाँ है? ठीक है देख लूंगा, 1 हफ्ते बाद ही सही। दरवाजा उधर, मकान खाली करना बहुत मुश्किल। जाइए। अलीज़े आप क्यों डर रही हैं इस इंसान से? कुछ नहीं होगा, आप यकीन करें मेरा। अगर उसने नोटिस भेज दिया तो? कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। आ जाओ बेटा। I'm sorry, मैंने शायद उस मकान मालिक के सामने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। ठीक किया है तुमने, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही सलूक करना चाहिए।
कर रहे हो? हैरान हो गई। देखो मैं उदास हो गया हूँ। तुम इतने दिन से कॉलेज नहीं आ रही थी ना? अपनी बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। अरे बेबी, कोई मेहमान घर आता है उसके साथ ऐसे बर्ताव करते? मैंने कहा जाओ यहाँ से। अरे इतनी मुश्किल से मैंने तुम्हारा एक घर ढूंढा और तुम कह रही हो दफा हो जाओ। देखो तुम्हारी नाराजगी बिल्कुल ठीक है, मुझे पहले आना चाहिए था, मैं लेट हो गया लेकिन आ तो गया हूँ ना। नेहा, खुदा के लिए जाओ यहाँ से। बताओ ना कौन है? मैंने कहा तुम जाओ यहाँ से। आज तो नहीं जाऊंगा, आज तो फाइनल करके जाऊंगा। क्या फाइनल हो जाएगा? मेरा तुम्हारा रिश्ता? खुदा के लिए मेरा तमाशा मत बनाओ, जाओ यहाँ से, लोग क्या सोचेंगे? मुझे लोगों की परवाह नहीं कि कौन क्या सोचता है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ ना, वो किसी एक्टर से शक्ल मिलती है ना मेरी? प्लीज जाओ यहाँ से। कहीं कहीं तुम मुझे अवारा, फजूल, उंडा टाइप का लड़का तो नहीं समझती? अगर समझती हो तो बिल्कुल ठीक समझती हो। नेहा, तुम जाओ यहां से, निकलो। नेहा, क्या हुआ आपी? नेहा जवाब नहीं दे रही, पता नहीं कहां रह गई है। मैं देखती हूँ। आपकी आवाज उसको सुनाई नहीं दे रही होगी, मैं जाके देखती हूँ। मुझे इग्नोर करने की कोशिश मत करना। पहली गलती है इसलिए माफ कर रहा हूं। वो कहते हैं ना कि पहली गलती माफ कर देनी चाहिए, दूसरी गलती समझ के छोड़ रहा हूं, अगर तीसरी गलती सजा की हकदार होती है। मेरी मोहब्बत एक जाल है, जितना फड़फड़ाओगी उसमें इतना फंसी जाओगी। मेरी आदत बना लो क्योंकि मैं आता जाता रहूंगा। और हां, जितनी शराफत से मैं तुम्हारे घर से जा रहा हूं ना, इतनी ही शराफत से मेरी जिंदगी में आने की प्लानिंग कर लो, क्योंकि तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जाओ। नेहा, क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों? कौन था दरवाजे पे? नहीं आपी, कोई नहीं। कोई नहीं? तो फिर तुम इतना डरी हुई क्यों? क्या हुआ है आपी? कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, अब चलो आओ, आप ही बुला रही हैं। चलें। है आपी, प्लीज दरवाजा मत खोलिएगा। क्यों? तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? है आपी, वो क्या हुआ बिल्लू? बाजी, वो मैं आपसे इजाजत लेने आया था। चाचा रशीद को गुजरे हुए 1.5 माह हो गए। अम्मा डांट रही थी, किसी और दुकान में काम करना पड़ेगा। आप तो जानती हैं, अम्मा को सिर्फ पैसा चाहिए। तूने हमारा बहुत साथ दिया बिल्लू, हम ये तेरा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। आप ही बिल्कुल ठीक कह रही हैं बिल्लू, हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कर देना। भाजी, मुझे शर्मिंदा ना करे, अगर मेरे बस में होता तो मैं कभी काम ना छोड़ता। तुझे काम छोड़ने को कौन कह रहा है बिल्लू? क्या क्या मतलब अलीजे बाजी? तुझे मतलब भी समझ आ जाएगा, तो सुबह काम पर आ जाना। क्या काम पर? हाँ आपी,
ये आप क्या कह रही हैं? मतलब कैसा काम? पिलू अब तू जा, सुबह जल्दी आ जाना। ठीक है बाजी। Love this. पापी, आपने बिल्लू को झूठा दिलासा क्यों दिया? अगर वो कहीं और काम करना चाहता है तो उसे करने देना, हम उसे बाउंड तो नहीं कर सकते। कल एक नई सुबह होगी हया, अब तुम भी जाकर सो जाओ। और हाँ, कल से नेहा भी कॉलेज जाएगी। बाबा कहते थे कि मजबूर इंसान ही सबसे ज्यादा मजबूत होता है। अब मैं मजबूत बनकर दिखाऊंगी।